हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डायनेमिक नॉलेज ग्रुप पे। मेरा नाम है विकास और फ्रेंड्स, आज हमारी हाफ सेंचुरी हो चुकी है, क्लास नंबर 50 हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेबल और रो कॉलम, जैसे पंक्ति और स्तंभ टेस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सेट है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे और मैं वो आपको कराऊँगा। तो 10 क्वेश्चन में से फ्रेंड्स सीरियसली उन्हें अटैम्प्ट करिए और देखिए कि आप उस टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं बहुत जल्दी आपको एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज बताने को हूँ और यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है यहाँ पे, जो रेलवे के पैटर्न के हिसाब से हो, तो 2 से 3 दिन में उसे सर्च करके आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने रो कॉलम पे बहुत सारी क्लासेस कर चुके हैं, तो यहाँ पर पता ही होगा आप लोगों को कि 10 क्वेश्चन होते हैं और टाइम होता है 5 मिनट। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेंड काफ़ी होता है 10 क्वेश्चन के लिए, मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, ना कि स्पीड की। स्पीड भी चाहिए लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, 42% हर एक टेस्ट बैटरी में चाहिए, तो यहाँ पे लगभग हमें 5 क्वेश्चन सही करने होंगे। 4 में हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन एग्जैक्ट हमें सही करने होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने मेरी सारी क्लासेज देखी हैं, तो फ्रेंड्स आप कोई भी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन दे के देख लीजिए, आप उसमें 8 नंबर से ज़्यादा ही स्कोर करेंगे। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अगर गलत कर दिया आपने तो वो गलत होंगे, नहीं तो आप 8 से 9 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि अगर आपने अच्छे खासे क्वेश्चन कवर किए हैं, प्रैक्टिस सेट खूब लगाए हैं, तो आप आराम से इसमें 80% मार्क्स आराम से स्कोर कर देंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज करते हैं फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद में आपको आंसर लगाना है। और वीडियो को कर दो अभी लाइक, क्योंकि बाद में आप भावनाओं में बह जाते हो क्वेश्चनों की और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे रहा आपके लिए। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों पास, मेरे पास सिस्टम में यहाँ पे क्वेश्चन है, तो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऊपर बाएं कोने से आरंभ करते हुए कॉलम ई की ओर जाएं, फिर नीचे की ओर रो ई तक आएं, वह कौन सा अक्षर है जो केवल एक बार आता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर गो टू कॉलम ई, देन कम डाउन टू रो ई, वॉट इज नंबर डेट कम ओनली वंस, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो एक बार आता है। कहने का मतलब यह है, ऊपर बाएं कोने, ऊपर बायां कोना फ्रेंड्स कौन सा, तो ऊपर तो ये हो गया, बायां मतलब ये, ऊपर बाएं कोने से आरंभ करते हुए कॉलम ई की ओर जाएं, कॉलम ई ये है, इसकी ओर जाएं, उसके बाद फ्रेंड्स फिर नीचे की ओर रो ई तक आएं, फिर नीचे की ओर रो ई तक आएँ, रो ई ये है, यहाँ तक आएँ। तो कह रहे ऐसा कौन सा अंक है जो सबसे कम बार आया हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो, एक से ही स्टार्ट करेंगे हम, 1 2 बार आया है, 2 2 बार आया, 3 3 बार आया, 4 मतलब 3 भी 2 बार आया, 4 भी 2 बार आया, लेकिन 5 है वो 1 बार आया। तो फ्रेंड्स सबसे कम बार कौन सा है, 5। तो पहले का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 5। इस क्वेश्चन को मैं 30 सेकंड में फ्रेंड करना, इस हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए दूसरा क्वेश्चन रहा डिस्प्ले पे। पहली रो में दाएं कॉलम सी तक और फिर नीचे रो सी तक जाने पर वह कौन सा अंक है जो केवल एक बार आया है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ऑन द फर्स्ट रो गो टू राइट कॉलम सी एंड देन डाउन टू रो सी, वॉट इज नंबर डेट कम ओनली वंस। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो देख लेते हैं इसे भी। पहली रो में दाएं कॉलम सी तक जाएं, मतलब पहली रो में दाएं से कॉलम सी तक जाएं, मतलब यहाँ से कॉलम सी तक जाएं, उसके बाद करें फिर नीचे रो सी तक जाने पर, उसके बाद नीचे रो सी कहाँ पे, ये वाली, मतलब यहाँ तक आने पर, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाएं, फिर यहाँ तक आएं, इसके बाद कह रहे हैं वह कौन सा अंक है जो केवल एक बार आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक आने पर कौन सा अंक एक बार आया, 1 2 बार आया है, 2 2 बार आया और 3 1 बार आया है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन इसी तरीके का था, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे क्वेश्चन है, आसानी से हो रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन है, यदि रो ए एवं बी को उल्टा दिया जाए तो कॉलम सी में 3 एवं 1 के बीच क्या अंक होगा। ए को और बी को उल्टा कर दो, मतलब
रिवर्स कर दूं, इंग्लिश में देख लो, इफ रो ए एंड बी आर रिवर्स्ड, रिवर्स मतलब पलट दो, व्हाट वुड बी नंबर बिटवीन 3 and 1 इन कॉलम सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ी सी बारीकी से ये पढ़ना कि हमें रो ए और बी को तो पलटना है, मतलब इसको ऐसे पलट दो, इसको ऐसे पलट दो, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि कॉलम सी में 3 और 1 के बीच अंक क्या होगा। कॉलम सी तो ये रहा और 3 और 1 ये रहा, यहाँ वाला अंक पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही होगा कि बीच वाला अंक है तो पलट दोगे, इसे पलट दो तो क्या 4 3 2 1 5, तो जो थर्ड वाला वो हमने बताया ही क्लास में कि वो तो सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स इसे भी पलट दो, कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि 3 और 1 यहाँ पे भी जब पलट दोगे तो 3 का 3 रहेगा, ठीक है, और इसको पलट दोगे तो यहाँ पर 2 रहेगा, और यहाँ पे तो 1 का 1 है, इसे तो हमें छेड़ना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, 3 और 1 के बीच में क्या हो गया, 2 रहा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2, इसे रफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कॉलम बी के सभी अंक पलट दिए जाएं तो रो बी में 5 एवं 2 के बीच का अंक क्या होगा। देखो फ्रेंड्स आप लोग कह रहे होगे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब फ्रेंड्स बहुत फ्रेंडों का कहना था कि क्वेश्चन सर बहुत ज़्यादा टफ लाई। तो फ्रेंड ये कोई एग्ज़ाम इतना ज़्यादा मतलब टफ एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे मतलब हमारी स्पीड के साथ में थोड़ा हमारा इंटेलिजेंस लेवल देखते हैं, तो क्वेश्चन का लेवल यही रहने वाला है, इससे ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत से ऐसी बुक्स हैं जो मार्केट में अपनी नई बुक्स उतारती हैं, तो वो क्या करती हैं कि क्वेश्चन को ज़्यादा टफ कर देती हैं ताकि हमारी बुक्स ज़्यादा स्टूडेंट परचेज करें। लेकिन हमें समझना है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहने वाला है। मैं आपको मतलब टेस्ट सीरीज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस कराता रहूँगा, तो आप लोगों को पता ही चलता रहेगा कि कैसा क्या सीन चल रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 देखिए, यदि कॉलम बी के सभी अंक उलट दिए जाएँ, कॉलम बी के सभी अंक उलट दिए जाएँ तो रो बी में 5 एवं 2 के बीच का अंक क्या होगा। रो बी में 5 और 2 के बीच में अंक, 5 और 2 के बीच में अंक फ्रेंड क्या होगा, ये वाला होगा, लेकिन अब इसे पलट दिया गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, तो 4th का आंसर हो जाएगा फ्रेंड 4। फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस में हमें 10 में से कम 9 क्वेश्चन तो सही करने हैं एग्ज़ाम में। इस हिसाब से मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा कि वॉच का और रो कॉलम का और ब्रिक्स का और हिडन क्यूब्स का, इसमें आपकी एक्यूरेसी मोर देन 80% रहे, एक्यूरेसी और आपके मार्क्स भी रहें, क्योंकि ये स्कोरिंग है। बाकी का मेमोरी टेस्ट पे तो हम लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, उस पर आपको भी वर्क करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस प्रश्न का उत्तर वह होगा जो रो डी को उलटने के बाद 2 और 5 के बीच आता है। इस प्रश्न का उत्तर वह होगा जो रो डी कौन सा, ये वाला रो डी को उलटने के बाद 2 और 5 के बीच आता है। इसको उलट दो फ्रेंड, मतलब ऐसे लिख दो 2 1 5 4 3, तो फ्रेंड्स इसको उलट दिया, उलटने के बाद 2 और 5 के बीच आता है। तो फ्रेंड देखो 2 और 5 ऐसे हैं, अभी ना उल्टो चाहे पुल्टो कुछ करो, लेकिन इनके बीच में तो ये 1 रहेगा ही रहेगा, ये तो कॉमन सेंस ही बात है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे अगर पलट के भी लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 5, तो 2 और 5 के बीच में क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें पलटने की ज़रूरत ही नहीं, हमें यही पता होना चाहिए कि पलटने के बाद भी वही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा कौन सा अंक है जो रो ई के अंक 5 के सबसे ऊपर आता है। ऐसा कौन सा अंक है जो रो ई के अंक 5 के सबसे ऊपर आता है। तो फ्रेंड्स रो ई का अंक 5 ये है, इसके सबसे ऊपर आता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को थोड़ा सा डाउट ये हो सकता है कि आप लोग ये वाला अंक सोचें, लेकिन सबसे ऊपर आता है कि बात हो रही है, तो ये वाला नहीं, ऊपर आता है तो ये होता है, लेकिन सबसे ऊपर आता है तो ये वाला अंक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। रो वी के
अंक 3 के ऊपर वाले अंक के बाएं ओर कौन सा अंक होगा? रो वी के अंक 3, रो वी में अंक 3 देखो, ये रहा, के ऊपर वाले अंक, के ऊपर वाले अंक के बाएं अंक कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स बाएं क्या बताया, टेबल का क्या कॉन्सेप्ट बताया कि टेबल की तरफ देखो, जिधर बायां है उधर बायां, तो टेबल की तरफ देखेंगे तो बायां क्या होगा, ये वाला होगा, तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो 7 का हो जाएगा 3। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं है, अच्छे तो मतलब इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है तो क्वेश्चन तो कर ही देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा यूनिक क्वेश्चन कह सकते हैं। रो डी में 4 कहीं भी दाईं ओर आता है तो उत्तर रो का अंतिम अंक होगा। रो डी देखो, रो डी में 4 कहीं दाईं ओर आता है तो उत्तर रो का अंतिम अंक होगा। तो तुरंत तुम पहुंच जाओ, उत्तर रो का अंतिम अंक होगा, मतलब क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 नहीं होता तो क्या होता फ्रेंड, यदि नहीं तो उत्तर रो सी का बीच का अंक होता, अगर ये 4 नहीं होता तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाता, 1 हो जाता। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, रो ए एवं सी उलट दिए जाएं तो रो बी में 3 के नीचे कौन सा अंक आएगा? मतलब रो ए एंड सी आर गिवन इन रिवर्स, विच इज नंबर बिलो 3 इन रो बी। रो ए और सी को उलट दो, ए और सी को उलट दो, उलट दिया तो रो बी में 3 के नीचे कौन सा अंक आएगा? तो फ्रेंड्स इसके नीचे के अंक की बात हो रही, मतलब यहाँ वाला अंक, तो जब फ्रेंड्स इसे पलट देंगे तो यहाँ पे कौन सा अंक आएगा? इसे पलट देंगे, रो ए और सी को पलट दिया जाए तो इसे अगर पलट देंगे तो ये वाला देखो, ये 3 3 2 1 है, 3 2 तो इधर आ जाएगा, 3 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा फ्रेंड्स, 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऐसा अंक है जो रो बी के 3 अंक दाएं ओर आता है? विच इज नंबर डैट कम्स टू राइट ऑफ 3 ऑफ रो बी। तो मतलब पहले तो रो बी देखो कहाँ पे, रो बी है, रो बी के 3 अंक कौन सा ये के दाईं ओर आता है, तो इसके फ्रंट दाईं ओर बताया, टेबल की तरफ देखो, दाईं ओर मतलब राइट, और हो जाएगा ये 4। ठीक है फ्रेंड, तो सारे क्वेश्चन हो गए, तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। इससे आगे की क्लास डिज़ाइन करने में आपका फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि कितने मार्क्स आपने स्कोर किए उसके बाद और किसी क्लास में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताया करिए, उस पर वीडियो बनाने की फिर कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को कर दो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि जो लोग मतलब कोचिंग वगैरह एफर्ट नहीं कर सकते वो घर बैठे आराम से कोचिंग मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें फ्रेंड्स।